नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति, स्वागत है मेरी चैनल ज्योतिदास वर्ल्ड में। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है 2 कच्चे केले। तो सबसे पहले हम कच्चे केले के छिलके को एक चाकू की मदद से छील लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के रख देंगे। इससे क्या होगा कि कच्चे केले की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, तो इससे काले नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने खसखस पानी में भिगो के रख दिए हैं। मैंने खसखस गर्म पानी में भिगो के रखे हैं। तो और मैं ले रही हूँ 1 आलू। आलू को भी हमने इस तरह से काट लेंगे। तो आलू हमारा काट कर तैयार हो चुका है। तो अब एक खसखस को एक छन्नी की मदद से छान लेते हैं और मिक्सिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्ची। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची यूज़ किया है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट तैयार है। अब जो हमने हल्दी के पानी में केले को भिगो के रखे थे, तो इसे हम अच्छे से साफ़ करके धोकर फिर से रख लेते हैं। तो अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, इसमें हम ऐड कर देंगे कलौंजी, इसके बाद कटे हुए आलू को। और आलू को हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आलू को मैंने 2 मिनट तक फ्राई किया ऐसे ही। इसके बाद इसमें मैंने जो कच्चे केले थे उसे ऐड कर दिया। अब दोनों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो मैंने 3 से 4 मिनट लगाकर इसे अच्छे से फ्राई किया है। और साथ ही में मैं ऐड कर दे रही हूँ नमक अपने स्वाद के हिसाब से। तो आप देख सकते केला और आलू बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने खसखस और मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाए थे, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छे से मसालों को हम भून लेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है मसाला को, सिर्फ हमने 1 मिनट ही इसे इस तरह से चलाते हुए भून लिया है। और इसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी मसाले का जो कटोरा था उसमें उसे धोकर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और 1 मिनट तक हमने इसे इस तरह से चलाते हुए हमें इसे भून लिया है। तो इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी कप के 1 कप पानी यूज़ किया है। अब इसे ऐसे ही जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो जैसे ही उबाल आ जाए तो समझिए आपका केले की सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है केले की सब्जी। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।